डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। करबला की जंग में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए नवासाए रसूल इमाम हुसैन और शहीदाने करबला की याद में मनाया जाने वाला चेलों का जुलूस आज अब्दुल्लापुर में निकाला गया। जुलूस में जुलझुना, अलम और ताजिए निकाले गए। इस्लामिक वर्ष के पहले माह मुहर्रम की 10 तारीख को करबला की जंग में नवासाए रसूल इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था। इसी क्रम में हुसैन के 40 दिन पूरे होने का शिया मुस्लिमों द्वारा चेलुम यानी 40वां मनाया जाता है। बृहस्पतिवार को अब्दुल्लापुर में चेलुम का जुलूस मोहल्ला कोर्ट इमाम बाड़ा शाकिर महल से निकाला गया। जुलूस इमाम बाड़ा कोर्ट से शुरू होकर बाद में अहमदपुरा होते हुए करबला पहुंचा। करबला में पहुंचकर ताजिए दफन किए गए और मातम किया गया। जुलूस से पहले एक मजलिस मोहल्ला गड़ी मकतब में हुई, जिसको दिल्ली से आए मौलाना सफदर हुसैन बाकरी ने खिताब किया। जुलूस में सभी सोगवारों ने मातम किया और नोहे खानों ने नोहे पढ़े। कमर आलम, जामिन रोशन अब्बास, पीरू आदि लोगों ने नोहे पढ़े। इमाम हुसैन का चेलुम हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में चेलुम यानी 40वां का आयोजन किया जाता है। करबला इराक में इमाम हुसैन का चेलुम मनाने इस वर्ष जो आंकड़ा लगाया गया वो आंकड़ा 23 करोड़ के पहुंचने का आंकड़ा है। चेलुम मुसलमानों के कैलेंडर के मुताबिक सफर के महीने की 20वीं तारीख को होता है। वहीं अब्दुल्लापुर में इसके चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे।